हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार पर बैठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्योंकि नए चालक जब वो कार पे बैठते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे, तो ये वीडियो आप लोग स्किप ना करें, पूरा देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं ये डिजायर कार है। अब हम चलते हैं कार के अंदर, तो आप सभी को हम इसके बारे में सारी जानकारी देंगे कि आप कार पे बैठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और इसमें फ्यूल टैंक कहाँ पे होता है और ये डिग्गी कहाँ से खुलती है। इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमने कार का दरवाज़ा खोलना है, तो हम कार के दरवाजे को अनलॉक कैसे करें। अभी जो है यहाँ पे इस तरीके से चाबी होती है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से लॉक खुल जाएगा और यहाँ से लॉक हो जाएगा। अगर आपको चारों दरवाज़ा एक साथ खोलना है तो इस बटन को दो बार दबाना है, चारों दरवाजे खुल जाएंगे। अगर सिर्फ ड्राइविंग सीट का खोलना है तो एक बार दबाएंगे तो सिर्फ ड्राइविंग सीट का खुलेगा और यहाँ से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब हमने की कार को अनलॉक करना है तो हम यहाँ से दबाएंगे, कार अनलॉक हो गया। अब हम चलते हैं कार के अंदर। तो कार के अंदर जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये तीन पैडल्स होते हैं, जो कि राइट पैर में एक्सीलेटर पैडल है, ब्रेक पैडल है और क्लच पैडल है। जब भी आप कार पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमें सीट एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो कोई भी कार चलाता है तो वो अपने हिसाब से सीट को आगे पीछे करके रखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं सीट है। अब सीट में दो ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ अब कुछ गाड़ियों में सीट ऊपर नीचे करने के लिए भी है, तो ये जो होता है सीट ऊपर नीचे करने के लिए है। यहाँ से जो है कमर बैग एडजस्ट होता है, आप अपने हिसाब से कमर बैग को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक का बटन होता है, यहाँ पे फ्यूल टैंक का बटन है, इसको ऊपर उठाना होता है तो फ्यूल टैंक खुल जाएगा, इसको उठाएंगे तो डिग्गी खुल जाएगी। और जो सीट आगे पीछे करना है तो सीट आगे पीछे करने के लिए ये होता है, इसको आपको ऊपर उठाना है रैड को, सीट आगे पीछे होगी। और बाकी जो है अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं फ्यूल टैंक खोलने के लिए, उनका बटन यहाँ पे रहता है नीचे यहाँ पे, और यह तो स्टीयरिंग के पास। तो आप सभी चालक जब भी कार पे बैठे तो सबसे पहले ये आप देख लें कि कार का फ्यूल टैंक कहाँ से खुलता है। अक्सर लोग जब फ्यूल टैंक पे जाते हैं तो वो जो है कार का फ्यूल टैंक कहाँ से खुलता है वो ये चीज़ को ढूंढते हैं कि बटन कहाँ पर है। तो आप जब भी कार पर बैठे तो इतनी सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी है कि कार का फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है। और बाकी जब भी आप कार पे बैठेंगे तो आपको सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद आपको जो है कमर बैग एडजस्ट लेना है। और जब भी आप कार पे बैठें तो सीट एडजस्ट करने के बाद आप ये जो तीनों पैडल्स हैं, तीनों पैडल्स को एक बार चेक कर लें कि इस पर आपका जो है पैर पूरा पहुंचना चाहिए, ये पूरा नीचे दबना चाहिए। ब्रेक और एक्सीलेटर पे पैर एडजस्ट कर लें तो स्टार्ट करने से पहले इन तीनों पैडल्स को आपको एक बार देख लेना है। अब बाकी जो है हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इंजन में चाबी लगाएंगे, सीट को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप चाबी लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमें कार स्टार्ट करने से पहले आपको रियर व्यू मिरर सेट करना है और साइड मिरर एडजस्ट करना है। साइड मिरर एडजस्ट करने का यहाँ पे बटन होता है, कुछ गाड़ियों में हाथ से सेट किया जाता है और कुछ गाड़ियों में बटन से। राइट का घुमाना है तो उसको पूरा राइट कर देंगे, लेफ्ट का घुमाना है तो लेफ्ट कर देंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले एडजस्ट कर लेनी है कार स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद आपको गियर को चेक कर लेना है कि गियर न्यूटन पे होना चाहिए। और फिर उसके बाद एसी जो है ऑन नहीं होनी चाहिए, जब भी आप कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो एसी बंद होना चाहिए। और हैंड ब्रेक को चेक कर लें। तो इतनी चीज़ें आपको कार पे जब भी आप बैठते हैं सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है, उसके बाद आप रियर मिरर साइड मिरर एडजस्ट करें और सीट बेल्ट पहने। फिर उसके बाद हमें जब भी कार को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते समय आपको पूरा क्लच को नीचे दबाना है, आप पूरा फुल क्लच को नीचे दबाएंगे, फिर इसके यहाँ से चाबी को आगे घुमाएंगे, फिर ये कार स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट करने के बाद चाबी को छोड़ देना है, फिर वापस हो जाएगी। जब कार स्टार्ट हो जाए तो आपको जब भी कार आप बढ़ा रहे हैं कहीं भी तो आपको क्या करना है, पहले रियर व्यू मिरर देखना है और साइड मिरर देखना है। फिर कहीं से भी कार आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने से पहले आप मीटर के अंदर साइन देख लें कि एक भी साइन नहीं जलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हैंडब्रेक का साइन है। तो आप हैंडब्रेक को यहाँ से डाउन करना है, तो हैंडब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको लीवर को ऊपर करना है, फिर आपको बटन दबाना है, फिर हैंडब्रेक को नीचे कर देना है। फिर जब हैंडब्रेक नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर वो जो साइन आ रहा था बंद हो गया, तो इसका मतलब हैंडब्रेक
नीचे है। अब यहाँ से बढ़ना है तो आपको क्लच दबा के वन गियर लगाना है, फिर और रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, ये सब देख के, इंडिकेटर देख के तब आपको आगे बढ़ना है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी होती हैं जब भी आप कार पे बैठते हैं। और कोई भी चाहे पीछे बैठे चाहे आगे बैठे, आपको हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है और सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करनी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम कार पे बैठेंगे तो एक बार कार पे बैठने से पहले चारों तरफ देख लें आगे पीछे कि जो है कोई आगे पीछे ना हो। उसके बाद कार पे बैठने के बाद आपको सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है और जो है सीट बेल्ट पहनना है, रियर व्यू मिरर जो है सेट करना है, साइड मिरर सेट करना है। उसके बाद गियर को चेक कर लें, न्यूटन में होना चाहिए गियर, और हैंड ब्रेक को चेक कर लें। फिर उसके बाद जो है यहाँ से एसी को चेक कर लें। ये सब चीज़ें आपको चेक करके तब आपको कार को स्टार्ट करनी है। जब भी आप कार स्टार्ट करेंगे तो एक पैर क्लच पे होना चाहिए और एक पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ठीक, जब भी आप कार को स्टार्ट करेंगे। अब जब आपको कार बंद करनी होती है तब क्या करना है, जैसे आप कहीं भी कार लेके जा रहे हैं और आपको रुकना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अगर स्पीड में कार है तो आप ब्रेक ले लिए, उसके बाद कार की स्पीड स्लो होने के बाद आपको क्लच को दबाना है पूरा नीचे और एक पैर ब्रेक पे रहेगा। फिर इसके बाद हमें गियर को कर देना है न्यूटन पे, उसके बाद हैंड ब्रेक लगा देना है, ठीक, हैंड ब्रेक लगा देंगे आप। अब आपको कार बंद करनी है तो हम यहाँ से कार को बंद कर देंगे, यहाँ चाबी इसको यहाँ से ऐसे बंद करना है और चाबी निकालने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करना है, फिर हमें चाबी निकाल देना है। और जब भी हम कार से उतरते हैं तो उतरते समय आपको क्लच नहीं दबा के रखना है, आपको गियर को लगा देना है वन, ये चाहे कोई भी गियर आप लगा दें। इससे क्या होगा, अगर हैंड ब्रेक सही से नहीं लगा रहेगा तो जब कार आपकी गियर में रहेगी तो कार कहीं आगे पीछे नहीं जाएगी। तो ये आपको कहीं भी कार आप पार करते हैं, रुकते हैं, कार से बाहर निकल रहे हैं, तो इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है।